आप मनु जी कई बड़े नाम निकलकर भी सामने आ सकते हैं। जिनको एक ही कारोबारी है ये, लेकिन उनके जो है उनकी विभिन्न फर्में जो है अलग अलग नाम से बनी हुई है, उन फर्मों के माध्यम से सारी जीएसटी को चोरी का सारा मामला किया जाता था इधर से उधर, यही सूचना मिली थी एसडीआरआई की टीम को, उसी को खंगालने का काम चल रहा है कि किस तरह से जीएसटी की चोरी करते थे। इन दस्तावेजों से सारा खुलासा होगा, जो देर रात तक सारा खुलासा होकर के सामने आ जाएगा। बिल्कुल, पिछले दिनों जिस तरीके से प्रदेश में तमाम नकली शराब की खबरें सामने आई थी कि नकली शराब के सेवन से कई लोगों की जान तक चली गई थी मनु जी, ऐसे में ये बड़ी कार्रवाई जहां पर शराब माफियाओं का जो काला कारोबार है उस पर शिकंजा कसेगा, कितना महत्वपूर्ण और अहम हो जाता है ये। बिल्कुल सही है कि जितनी जो व्यापारी जितनी शराब बनाते हैं उससे ज्यादा शराब जो है मार्केट के अंदर उपलब्ध रहती है, तो इसी के कारण से सारा जीएसटी का मामला भी चोरी का जो सामने पकड़ में आता है इसी के माध्यम से पकड़ा गया है। तो जब अवैध शराब यहाँ पर किस तरीके से अगर पहुंचती है, वो अगर हानिकारक हो सकती है स्वास्थ्य के लिए भी लोगों के, तो वो भी इसके अंदर पकड़ में चोरी आ जाएगी, तो उसके लिए अलग से कार्रवाई जो है आबकारी विभाग करता है। लेकिन ये जीएसटी चोरी का मामला है सीधे तौर पर, तो इसके अंदर जीएसटी के सारे दस्तावेज जो इनकी बिलिंग है वो सारी खंगाली जा रही है कि कितना माल इन्होंने बाजार में भेजा है, उसके ऊपर जीएसटी चुकाया है नहीं चुकाया, वो सारे दस्तावेज जो है वो खंगाले जा रहे हैं। जी बिल्कुल, ऐसे में इतने बड़े पैमाने पर जीएसटी चोरी का संभावना जताई जा रही है, यही वजह है कि छापेमारी के लिए पूरी एसडीआरआई की टीम वहां पर पहुंची है। ऐसे में अगर इतने बड़े स्तर पर ये पूरा घोटाला हो रहा था बिना प्रशासन के शय के संभव नहीं है, क्योंकि इस तरीके के मामले अमूमन सामने आते रहते, फिर चाहे वो अवैध तरीके से शराब की सप्लाई का मामला हो या फिर जीएसटी चोरी का, क्या लगता है कई बड़े नाम प्रशासन की तरफ से भी इस पूरे मामले में मिलीभगत को लेकर सामने आ सकते हैं? जी बिल्कुल, जीएसटी चोरी का जो मामला होता है उसके अंदर अगर किसी अधिकारी की अगर लिप्तता होगी तो वो भी सामने आएगी, लेकिन सबसे पहले जो बिलिंग है वो सबसे पहले चेक की होती है इसके अंदर कि कितना माल उन्होंने बाजार के अंदर सप्लाई किया है और जो उन्होंने बनाया वो कितना माल था, इन दोनों के बीच में डिफरेंस पकड़ में आ जाएगा। बिलिंग जो है जिनके सेल किए इन्होंने, जिसको इन्होंने बेचा है माल, वहाँ भी तहकीकात होगी, वहाँ भी जाकर के उनकी भी बिलिंग चेक की जाएगी कि बिलिंग जो है कहीं फर्जी बिलिंग नहीं हो, उसके माध्यम से किया जा रहा हो जीएसटी चोरी का मामला। ये तमाम बातें जो है वो अधिकारी जांच कर रहे हैं, एक ठिकाने पर पहुंच चुकी है, दो से तीन ठिकानों पर और कार्रवाई हो सकती है उनके यहाँ। इसलिए बहुत बहुत शुक्रिया मनु जी आपका तमाम जानकारी के लिए। तो छापेमारी लगातार जारी है, ऐसे में अब तस्वीर साफ हो पाएगी जब छापेमारी की कार्रवाई खत्म होगी, लेकिन संभावनाएं जताई जा रही है कि कई बड़े नाम इसमें सामने आ सकते हैं। और साथ ही साथ खासतौर पर जैसा कि मनु जी ने भी जिक्र किया कि जीएसटी चोरी का ये पूरा मामला और जीएसटी को लेकर इस पूरे चोरी के मामले को लेकर कई बड़े खुलासे हो सकते हैं।